तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शर्ट कॉलर में पाइपिंग कैसे लगाई जाती है तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस कॉलर में पाइपिंग लगी हुई है तो यही कॉलर आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया है कैसे बनाया जाता है तो जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ और कितनी साफ पाइपिंग लगी है तो आप भी इस वीडियो को देखकर बहुत ही आसानी से इसी तरीके से पाइपिंग लगा सकते हैं तो दोस्तों मैं हूं अकील खान और आप देख रहे हैं अकील फ़ैशन डिज़ाइनर तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो ये हमारा कॉलर है हमने पहले ही पेस्टिंग कर ली है इस पर तो देखिए इस तरीके से हम ये कॉलर जो है कॉलर के बराबर से कट करेंगे उसको यहाँ से तो ये हमारी बैंड पट्टी है इसको हम हटा देते हैं बाद में बताएंगे इसको किस तरीके से सिलाई लगानी है देखिए इस कॉलर में जो ये जो कपड़ा दिख रहा है तो हम जो नॉर्मल साइड बनाते हैं उस पर हम एक पैर का कपड़ा छोड़ते हैं यहाँ साइडों से पर इस पर हमें बिल्कुल पेस्टिंग के बराबर से कपड़ा कट कर लेना है बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं छोड़ना है बिल्कुल मिलाकर कट कर करना है इस तरीके से ये देखिए और इसी तरीके से हमको यहां भी कट कर लेना है इसको बराबर से बिल्कुल तो ये देखिए दोस्तों इधर से भी देख सकते हैं आप तो ये देखिए हमने बिल्कुल बराबर से सब कट कर दिया है कपड़ा बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं छोड़ा है तो आप देखिए पाइपिंग किस तरीके से लगाएंगे वो आप समझ लीजिए तो ये हमने एक कॉटन का कपड़ा ले लिया है आप कभी भी पाइपिंग लगाएं तो आप कॉटन का कपड़ा ही यूज़ करें क्योंकि कॉटन के कपड़े में ज़्यादा फिनिशिंग आती है देखिए इस तरीके से हमने रख लेना है यहाँ से इस पेस्टिंग के ऊपर हमको एक पैर की सिलाई चलानी है एक पैर से ज़्यादा नहीं चलानी है आप चाहें तो एक पैर से एक सूत कम भी चला सकते हैं देखिए यहाँ से हमने कपड़ा बराबर रख लेना है इस तरीके से पक्का करेंगे यहाँ पर ये देखें दोस्तों इस तरीके से हमने को यहाँ पर एक नाखून लगा लेना है आप चाहें तो प्रेस का यूज कर सकते हैं ये देखिए अब उसके बाद हम यहाँ से कट करेंगे इस कपड़े को इस तरीके से यहाँ नीचे से बराबर बिल्कुल और ये जो तो पेस्टिंग दिख रही है बुकरम दिख रहा है इस बुकरम से हमको एक पैर आगे के लिए इस तरीके से कपड़ा कट कर देना है तो ये देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने एक साइड में लगा दी है और इस तरीके से हमने इस तरीके से बढ़ाकर कट कर, कर दिया है ठीक है इसी तरीके से हमको इधर से रख लेना है बिल्कुल एक पैर की सिलाई लगाएंगे एक पैर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए चाहे थोड़ी कम हो जाए पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए ये देखें दोस्तों इस तरीके से हमने ये भी सिलाई लगा दी है इस तरीके से तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि मैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपको पाइपिंग लगाना बता रहा हूँ इस तरीके से हमको कट कर लेना है यहाँ से ये देखिए तो ये जो पेस्टिंग होती है बुकरम होता है इस बुकरम से आधा इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे ठीक है ये ध्यान रखना है आपको इस तरीके से हमने इसको नाखून लगा देना है तो अब देखिए हमको यहाँ पर पाइपिंग लगानी है तो हमने ये कपड़ा ले लिया है तो कॉटन कपड़ा आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है तो इस तरीके से हमको रख लेना है अब हमको यहाँ से एक पैर की सिलाई लगाते हुए ले आना है यहाँ तक ठीक तो देखिए ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा है तो इसको हम पहले बुकरम के पास से बराबर से कटिंग कर देंगे पहले इस तरीके से ये देखिए ये देखें उसके बाद ये जो कपड़ा पलट कर आएगा तो इस तरीके से कपड़ा पलट कर आएगा ये देखें इस तरीके से नाखून लगाएंगे हम दोस्तों हमने एक प्रेस गर्म कर ली है तो इस तरीके से हम प्रेस भी लगा सकते हैं तो प्रेस लगाने से बहुत ज्यादा फिनिशिंग आती है दोस्तों तो यहाँ पर हमको बहुत अच्छी तरीके से प्रेस लगाने हैं बिल्कुल कपड़े को खींच कर रखेंगे इस तरीके से उसके बाद ये जो कपड़ा जो पलट ये देखिए ये जो कपड़ा पलट कर आ रहा है सेट में तो ये पेस्टिंग से एक पैर हटाकर कटिंग करना है हमें जितना हम सिलाई में दबाव लेते हैं उतना ही हमको बढ़ाकर कटिंग करना है हमने ये पाइपिंग लगा दी है अब देखिए किस तरीके से आगे काम करना है हमें जो हमारा कॉलर है उसके मैच का कपड़ा ले लिया है हमने इस तरीके से और हम यहाँ इस तरीके से रखेंगे अब हमको सिलाई कहाँ से लगानी है वो समझ लीजिए तो ये जो हमारी पेस्टिंग है बुकरम इस बुकरम के बिल्कुल बराबर से सिलाई चलानी है बुकरम के ऊपर भी सिलाई नहीं चढ़नी चाहिए और बुकरम से थोड़ी सी हटाकर लगा सकते हैं करीब आधा सूत हटाकर आप सिलाई लगा सकते हैं बुकरम से बिल्कुल भी मिलाकर नहीं चलानी है ठीक है आपको यहाँ से लेकर इस तरीके से सिलाई लगाते हुए ले आना है एंड तक और यहाँ पर पक्का करेंगे इस तरीके से तो नोक को सही निकालने के लिए हम थोड़ा धागे का यूज करेंगे जो कॉलर की नोक होती है तो यहाँ पर हमने पेस्टिंग देखिए ये जो कोना है इसका जो पेस्टिंग का कोना है इससे एक टाका पहले ही हमने सिलाई को रोक लिया है और इस तरीके से हमने धागे को लगा देना है नीचे ये देखिए, इस तरीके से लगाएंगे और फिर एक टाका चलाएंगे इस तरीके से और उसके बाद हम इस तरीके से घुमाकर इस साइड में ले आएंगे तो यहाँ से क्या होता है कॉलर की नोक अच्छी तरीके से निकल आती है ये देखिए उसके बाद घुमा लेंगे इसको यहाँ भी हम इस तरीके से मशीन को रोक लेंगे पहले ही ये जो पेस्टिंग का कोना है इससे एक टाँका पहले रोक लेंगे और धागा लेंगे इस तरीके से किसी भी कलर का धागा ले सकते हैं आप और बूट को ऊपर उठाएंगे और इस तरीके से इस धागे को नीचे फंसाएंगे इस तरीके से ये देखिए अभी सुई से टच होने लगा है उसके बाद हम इस तरीके से एक टाँका लेंगे और इस तरीके से फिर बूट को उठाएंगे और इस तरीके से देख लेंगे ये देखिए ये धागा फंस चुका है तो अब इस धागे को घुमाकर इस साइड में ले आएंगे इस तरीके से और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर पक्का कर देंगे हम उसके बाद यहाँ हम बिल्कुल बराबर से कट कर लेंगे जो हमारा वाइट कपड़ा है सफ़ेद कपड़ा है इसके बराबर से कट करेंगे इस तरीके से यहाँ से और ये यह देखिए यहाँ से कट करेंगे उसके बाद यहाँ हम कट लगा लेंगे इस तरीके से उसके बाद हम इसको इस तरीके से पलटेंगे सीधा करेंगे कॉलर को तो ये देखिए दोस्तों पाइपिंग निकल कर हमारी आ रही है तो अभी आपको दिखाएंगे हम ये देखिए तो इस तरीके से हम धागे को खींचेंगे तो, तो ये देखिए नोक कितनी खूबसूरती के साथ सही तरीके से नोक निकल गई है इसकी उसके बाद इधर वाली नोक भी निकालेंगे इस तरीके से धागे को खींचेंगे इस तरीके से पकड़ कर ये देखें उसके बाद क्या करेंगे यहाँ से हम नाखून लगाएंगे इस तरीके से तो ये देखें दोस्तों कितनी खूबसूरती के साथ हमारी पाइपिंग निकल कर आई है ये जो बाइट कपड़ा है इस कपड़े जो अंदर वाली साइड है इसके बराबर से सिलाई लगाते हुए ले जाना है हमको यहाँ तक इस तरीके से इस तरीके से यहाँ से और यहाँ लगाते हुए और यहाँ पर हम किनारे पर सिलाई लगाते हुए इस तरीके से उतारेंगे तो यहाँ से देखें तो ये वाली सिलाई हम तो ये वाली सिलाई वाइट कपड़े पर भी नहीं आनी है और ये जो बीच में गैप दिख रहा है इसकी जड़ में सिलाई लगानी है बिल्कुल ये जो कॉलर दिख रहा है इस कॉलर के किनार पर ही सिलाई लगानी हमको और कपड़ा खेचता रखना है नीचे कॉलर है इसके बराबर से हमको कट कर देना है यहां से ये देखिए दोस्तों ये सीधी साइड हो गई और ये देखिए उल्टी साइड जैसा कि देख सकते हैं उसके बाद हम क्या करेंगे एक हाफ सेट इसका हाफ़ सेंटर करेंगे और यहाँ पर एक कट लगा लेंगे ये हम अभी आपको आगे बताएंगे हमने ये कट क्यों लगाया है उसके बाद इसको रख देते हैं एक साइड में तो देखिए हमने ये जो कपड़ा फोल्ड किया है इस कपड़े पर हमको एक पैर की सिलाई लगा लेनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगाएंगे हम तो ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है इस पर जैसे कि देख सकते हैं आप अब तो हमको एक कट यहाँ भी लगा लेना है इस पर बैंड पट्टी पर इस तरीके से बराबर रखेंगे यहाँ से और यहाँ भी एक हाफ सेंटर का कट लगाएंगे इस तरीके से ये देखें तो ये देखिए हमने कॉलर को सीधा रख लिया है इस तरीके से और हमको इस तरीके से बैंड पट्टी को इसको ऊपर रखना है और ये जो हमने हाफ़ सेंटर के जो कट लगाए थे इनको बिल्कुल मिला देना है इस तरीके से तो इसको मिलाकर हम यहाँ पर इस तरीके से पकड़ेंगे बिल्कुल बराबर से इस तरीके से आगे पीछे नहीं होने देंगे ये देखिए अब हम तो ये देखिए हमने जो कॉलर के लिए अस्तर लिया था जो कपड़ा निकाला था अभी तो हमने यहीं से निकाला था तो उसके बराबर से हम इस तरीके से निकालेंगे तो ये देखिए इस कपड़े में थोड़ा राउंड है शेप है तो यहाँ पर अपने आप ही हमें शेप वाला कपड़ा मिल जाता है अगर शेप आपके पास नहीं है किसी वजह से आपको शेप वाला कपड़ा नहीं मिल पा रहा है तो आप इस तरीके से राउंड शेप बना सकते हैं ये देखिए इस तरीके से ये देखिए इस तरीके से आप राउंड शेप बना सकते हैं इसका तो देखिए उसके बाद हमको यहाँ से रख लेना है इस तरीके से हमको ये एक सिलाई यहाँ से लाना है ये जो पेस्टिंग के किनार है इससे थोड़ा नीचे इस तरीके से यहाँ से थोड़ा नीचे के लिए तो हमको पेस्टिंग के बराबर से सिलाई चलाते हुए ले आना है इस तरीके से हम सिलाई चलाते हुए ले आएंगे और यहाँ ला हमको उतार देना है तो देखिए हम किस तरीके से सिलाई लगाएंगे पक्का करेंगे यहाँ पर इस तरीके से और इस तरीके से मोड़ेंगे ये देखिए जो बैंड पट्टी का जो पेस्टिंग दिख रही है इस पेस्टिंग की जड़ में ही सिलाई लगानी है और ये जो कॉलर है हमारा ये भी इस तरीके से अटैच हो चुका है इसके साथ में इस तरीके से मोड़ कर लाएंगे यहां पर अब हम इसको इस तरीके से सीधा करेंगे तो ये देखिए दोस्तों इस तरीके से सीधा करेंगे इसको हम इसके बाद कैंची की मदद से हम इस तरीके से सही करेंगे इसको यहाँ से यहाँ से भी सही कर लेंगे इसको देखिए आप क्या करेंगे दोस्तों इसको हम कॉलर को उल्टा करेंगे पहले तो देखिए यहाँ से हम इस तरीके से नाखून लगाएंगे फिनिशिंग के साथ इस तरीके से ये देखें इसी के सेंटर से हमको एक पैर की सिलाई लगाते हुए यहाँ तक ले जाना है तो ये हम बैंड पट्टी के ऊपर सिलाई लगाएंगे तो इस तरीके से हमने इस कपड़े को खींच कर रखना है और इस तरीके से एक पैर की सिलाई लगा है तो ये देखें दोस्तों ये सिलाई लग चुकी है तो ये देखें कितनी खूबसूरत सिलाई लगी है इस तरीके से देख सकते हैं आप। अब, अब ये जो किनार पर जो सिलाई लगेगी तो ये जब लगेगी जब हम सेट पर या कुर्ते पर इस कॉलर को फिट करते हैं तो ये सिलाई जब लगती है उसके बाद क्या करेंगे ये जो, ये जो आपको कॉलर की किनार दिख रही है इस किनार से एक पैर हटाकर कपड़े को कट कर लेंगे तो ये देखें दोस्तों ये हमारा कॉलर बनकर रेडी हो चुका है तैयार हो चुका है तो ये देखें कितनी फिनिशिंग के साथ कॉलर बना है हमारा जैसा कि देख सकते हैं आप थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो